हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है कुशमंडा ISHCS एकेडमी में। और यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं और 49,568 वैकेंसीज के रिज़ल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो अब बात करते हैं कि इसको चेक कैसे करना है, इसको डाउनलोड कैसे करना है। पहले आपको ऑफिशियल साइट पर जाना है, upp.bp.i.e.upp.bpp.gov.in, और वहाँ पर जाके आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल रिज़ल्ट 2019 के लिंक पर क्लिक करना है और आपको जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है उसको एंटर करना है और क्लिक ऑन सबमिट बटन। उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड और सेव भी कर सकते हैं। और कट ऑफ मार्क्स की बात कर लेते हैं, बोर्ड ने क्राइटेरिया वाइज कट ऑफ कैंडिडेट्स की लिस्ट भेजी है। उसके अनुसार 185.345 जनरल कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए और 172.3272 ओबीसी के लिए, 145.3909 एससी के लिए और 114.1932 एसटी कैंडिडेट्स के लिए। और जो रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम है वो 49568 वैकेंसीज के लिए हो रहा है और जिनमें से 18,208 जो है पीएससी कांस्टेबल और 31,360 जो है वो रेजिडेंट सिटीज़न पुलिस के लिए। तो इसके बाद यूपी पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2019 एग्ज़ाम वाज कंडक्टेड ऑन 16 नवंबर 2018 एट वेरियस एग्ज़ाम सेंटर और एज़ पर मेरिट रिलीज बाय यूपी पुलिस अराउंड 1,23,921 कैंडिडेट्स हैज़ बीन क्वालिफाइड फॉर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट PST। तो इस PST के लिए 1,23,921 कैंडिडेट्स जो हैं वो क्वालिफाई करे हैं। और उसके बाद क्राइटेरिया देख लेते हैं PET PST का। कैटेगरी मेल और फीमेल उसके हिसाब से, जो जनरल OBC SC कैटेगरी है, हाइट वो होनी चाहिए 168 सेंटीमीटर्स और फीमेल की 152 सेंटीमीटर्स, और ST हाइट जो होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर्स और फीमेल 147 सेंटीमीटर्स। जनरल OBC SC कैटेगरी 79 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड, 84 सेंटीमीटर्स एक्सपेंडेड, और ST कैंडिडेट्स चेस्ट 77 सेंटीमीटर्स अनएक्सपेंडेड और 82 सेंटीमीटर्स एक्सपेंडेड। और इसके बाद लास्ट में आपको बोला गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ यूपी फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स। तो कैंडिडेट्स को जो है लेटेस्ट अपडेट्स के लिए यूपी पुलिस की ऑफिशियल साइट पर जाकर सारी इंफॉर्मेशन चेक करनी होगी और अपडेट्स चेक करने होंगे। तो हमारी टेस्ट सीरीज़ और स्टडी मटेरियल्स आपको प्रोवाइड होंगे kushmanda.com पे, www.kushmanda.com पे, और हमारी हेल्पलाइन आपको दी हुई है, कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हैं।